दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं ये जो अभी भी क्रेन है यहाँ पर, अभी मैं बता दूँ तो यहाँ पर अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि ऊपर तक एक लिफ्ट जाएगी जो पूरे दिल्ली को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कराएगी ऊपर से, और पूरा दिल्ली ऊपर से दिखेगा। What's up guys, कैसे आप सब, और थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू द चैनल। और मैं हूँ फराज, ये है मेरा दोस्त योगेश, और आप इनको तो जानते होंगे द बर्थडे बॉय अनंत सिंह एके बिट्टू। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ दिल्ली की एक रिसेंटली बनी हुई आइकॉनिक जगह जिसको कहते हैं द सिग्नेचर ब्रिज, और आप देख सकते हैं ये रिसेंटली डेवलप किया गया है। तो दोस्तों ये एक तरीके का कैंटेविलर केबल ब्रिज है, और इसकी जो लंबाई है वो कुछ 675 meters तक है, और जो इसकी ऊंचाई है ये कुतुब मीनार से 2 गुना ज़्यादा है, मतलब कुछ 157 कुछ मीटर इसकी हाइट है। लोग बिल्कुल फुल एंजॉय करने आ रखे हैं यहाँ पर, आगे तक तो ऐसे में दिखा दूँ आपको, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो क्रेन है अभी भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है इसका, अभी आप देख सकते हैं लाइटिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और हम अभी यमुना के ऊपर खड़े हुए हैं, नीचे रिवर है, यमुना रिवर है। सो अभी जो काम चल रहा है वो लिफ्ट का चल रहा है मेरे हिसाब से, और जब ये लिफ्ट भी ओपन हो जाएगी तो बंदा ऊपर तक जा सकता है, उसके बाद पूरा दिल्ली दिखेगा गाइस, पूरा दिल्ली दिखेगा। तो ये जो ब्रिज कनेक्ट कर रहा है ये वजीराबाद से ईस्ट दिल्ली तक कनेक्ट कर रहा है, मतलब जो जहां हमें पहले 45 मिनट लगा करते थे अब वहां से हमें रीच करने के लिए बस 10 मिनट्स लगा करेंगे। सो दोस्तों दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। बस यहां पे कुछ दिनों में यहां पर आसपास ये जितने भी ये सब जगह है यहाँ पर चाय वाले भैया खड़े होने लग जाएंगे और लोग अपना फुल इन्जॉय करा करेंगे। सो दोस्तों एंड में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इसी को डेवलपमेंट कहते हैं जिसमें हमारी परेशानियां कम हो, लोगों का टाइम बचे, उस जगह के लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं बने, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, क्योंकि जब जब इस देश में स्कूल हॉस्पिटल और ब्रिजेस बनेंगे जब जब ये देश असली में तरक्की करेगा दोस्तों।